तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक के बारे में। जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगातार के लिए डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया जिसके बाद से अभी अगेन हमको जो ये स्टॉक है वो यहाँ पर लगातार इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब अगर यहाँ पर स्टॉक अपनी इस रेंज को ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी वन साइड मूवमेंट यहाँ से देखने को मिल सकती है। आज हमको स्टॉक में 0.90% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से अभी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 143 का पहला यहाँ पर रजिस्ट्रेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 168 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 200 देन यहाँ से हमको स्टॉक में 240 और 275 300 तक के लेवल्स भी यहाँ से अभी देखने को मिल सकते हैं। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से अब गिरावट की कंडीशंस में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 132 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 124 और 100 तक के लेवल्स भी यहाँ से अभी देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।